गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में अपन ने शिप से वूल ऑब्टेन करने की प्रोसेस देखी थी, शियरिंग, स्कॉटिंग, शॉर्टिंग, ठीक है। अब अपन सिल्क के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सिल्क अपने को किससे मिलता है? सिल्क वॉर्म से। सिल्क अपने को एक एनिमल से मिलता है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? एनिमल फाइबर, ठीक है। तो सिल्क क्या है? एक एनिमल फाइबर। तो देखिए, सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क मोथ। जो सिल्क है वो किससे मिलता है? सिल्क मोथ से। इट इज एन एनिमल फाइबर। सिल्क है वो एक एनिमल से मिलता है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? एनिमल फाइबर। द रियलिंग ऑफ सिल्क वॉर्म इज कॉल्ड सेरिकल्चर, ठीक है। सिल्क ऑब्टेंड करने के लिए सिल्क वॉर्म को रियर करने की, मतलब कि पालने की जो प्रोसेस है, उसको अपन क्या बोलते हैं? सेरिकल्चर। तो सेरिकल्चर क्या है? सिल्क ऑब्टेंड करने के लिए सिल्क वॉर्म को रियर, मतलब कि पालने की प्रोसेस, ठीक है। अब अपन सिल्क की, सिल्क मोथ की क्या पढ़ेंगे? लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ, ठीक है, मतलब कि जो सिल्क मोथ है उससे अपने को सिल्क कैसे ऑब्टेंड हो रही है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो देखिए, फीमेल सिल्क मोथ लेज एग्स ऑन मेलिबरी लीव्स। देखिए, जो सिल्क मोथ है वो मेलिबरी ट्री की लीव्स पर रहता है, ठीक है। सिल्क मोथ है वो कहाँ रहता है? मेलिबरी ट्री के लीव्स पर। और जो फीमेल सिल्क मोथ है, ठीक है, कौन सी सिल्क मोथ? फीमेल सिल्क मोथ, जिसकी साइज मेल सिल्क मोथ से काफ़ी बड़ी होती है। तो जो फीमेल सिल्क मोथ है वो मेलिबरी ट्री के ऊपर एक बार में 100 एग देती है, ठीक है। एक फीमेल सिल्क मोथ मेलिबरी लीव्स के ऊपर वन टाइम में कितने एग्स देती है? 100 एग्स देती है, विच हैज लावा, विच आर कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म। जिससे क्या एज होता है? लावा, जिसको अपन कैटरपिलर या फिर सिल्क मोथ बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो फीमेल सिल्क मोथ है वो मेलिबरी ट्री, जो ट्री है उसकी लीव्स पर वन टाइम में 100 एग्स देती है, ठीक है। और उससे लावा एज होता है, जिसको अपन कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म बोलते हैं। कैटरपिलर ग्रो इन साइज। फिर जो ये कैटरपिलर है वो क्या करता है? जो मेलिबरी ट्री है ना, उसकी लीव्स को ईट करता है, उसको खाता है, ठीक है। और मेलिबरी ट्री की लीव्स को खा करके ये जो कैटरपिलर है वो अपनी साइज में ग्रो करता है, मतलब अपनी साइज को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, ग्रोथ करता है, डेवलपमेंट करता है, ठीक है। देखिए, सिल्क मोथ ने मेलिबरी जो ट्री है उसकी लीव्स पर एग दिए, और इन एग से क्या है हुआ? लावा, जिसको अपन कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म बोलते हैं। फिर ये कैटरपिलर क्या करता है? जो मेलिबरी लीव्स ट्री है उसकी लीव्स को खाता है, ईट करता है और अपनी साइज को ग्रो करता है, ठीक है, मतलब अपनी साइज बढ़ाता है, डेवलपमेंट करता है अपने खुद के अंदर, ठीक है। एंड वीव ए नेट टू होल्ड इटसेल्फ, और अपने चारों तरफ एक जाल जैसा बना लेता है, एक नेट बना लेता है, ठीक है। देखिए, जो कैटरपिलर है वो मेलिबरी ट्री की जो लीव्स है उनको खा करके अपनी साइज को ग्रो करता है, साथ में अपने मुंह से ही क्या निकालता है? एक लार्व बनाता है, ठीक है, एक लार्व निकालता है, और उस लार्व से अपने चारों तरफ एक नेट जैसा, जाल जैसा ही क्या कर लेता है? बना लेता है, और अपने आप को उस जाल के क्या कर लेता है? अंदर कर लेता है, मतलब अपने खुद के चारों तरफ अपनी लार से एक जाल जैसा बना लेता है। एंड एंटर नेक्स्ट स्टेज कॉल्ड प्यूपा, और जो कैटरपिलर है उसकी साइज में ग्रो करके अपने चारों तरफ एक नेट वेव करके बुन करके ये कौन से स्टेज के लिए रेडी हो जाता है? प्यूपा स्टेज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सिल्क वॉर्म स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड एंड सेपरेट फाइबर टू मेट ए प्रोटीन। अब जो ये सिल्क वेम है वो है, ये जो नेट बनाता है अपने चारों तरफ, ठीक है, वो क्या सेपरेट करता है? एक फाइबर, ठीक है, कौन सा? प्रोटीन का, ठीक है। सून सिल्क वॉर्म कम्प्लीटली कवर इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर, और जल्दी ही ये अपने चारों तरफ नेट बना बनाकर अपने आप को पूरी तरह से उस नेट से क्या कर लेता है? कवर कर लेता है, ढक लेता है, ठीक है। दिस कवरिंग नोन एज कोकून, और सिल्क वॉर्म का मतलब कि कैटरपिलर का अपने चारों तरफ नेट बना करके अपने आप को जो कवर करने की प्रोसेस है उसको अपन क्या बोलेंगे? कोकून। कोकून आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड, ठीक है। फिर जो ये कोकून है इन
कलेक्ट कर लेंगे और कलेक्ट करने के बाद इस कोकून से क्या बनाया जाता है, सिल्क थ्रेड, और फिर उस सिल्क थ्रेड से सिल्क के क्लॉथ बनाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ में अपन ने क्या देखा कि जो फीमेल सिल्क मॉथ है वो मेलिकली लीव्स के ऊपर एग्स देती है जिनसे लावा हैच होता है, जिसको अपन कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म बोलते हैं। फिर ये कैटरपिलर मेलिकली लीव्स को ईट करता है, खाता है और अपनी साइज में डेवलपमेंट करता है, ग्रो करता है और अपने चारों तरफ एक नेट बना लेता है और नेक्स्ट स्टेज प्यूपा के लिए रेडी हो जाता है। फिर ये अपने चारों तरफ इतना नेट बनाया जाता है अपने आप को पूरी तरह से उस नेट से कवर कर लेता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कोकून। फिर अपन इस कोकून को कलेक्ट करके इन कोकून से इंसेक्ट को किल कर दिया जाता है बॉइलिंग के थ्रू और इनसे सिल्क का थ्रेड ऑब्टेन कर लिया जाता है और फिर सिल्क थ्रेड को अपन किस में यूज लेते हैं, सिल्क के क्लॉथ बनाने में। ठीक है, अब अपन देखेंगे वेराइटी ऑफ सिल्क। देखिए सिल्क मॉथ से जो कोकून मिलता है जिससे कि अपन सिल्क का थ्रेड ऑब्टेन करते हैं और फिर उस थ्रेड से अपन जो क्लॉथ बनाते हैं तो उससे अपने को अलग अलग वेराइटी की सिल्क ऑब्टेन होती है कोकून से। ठीक है, तो देखिए सिल्क की जो मेन वेराइटी है वो कौन कौन सी है, मेलिबरी, टसर, मुगा और कोसा, ये आपको लर्न रखनी है। ठीक है, जो सिल्क है उसकी 4 वेराइटी है मेन, कौन कौन सी, मेलिबरी, टसर, मुगा और कोसा, ये सिल्क की क्या है वेराइटी। ये अपना सिल्क कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आपकी बुक में चैप्टर के लास्ट में एक डायग्राम दे रखा है लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ का, आपको ये वाला वर्क करने के बाद वो डायग्राम बनाना है। ठीक है, ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये वर्क आपको साइंस के रजिस्टर में करना है और साइंस के रजिस्टर में ही चैप्टर की एंडिंग में जो आपको डायग्राम गिवन है ना लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ, उसका डायग्राम आपको अच्छे से बनाना है।